नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जसोदा की रसोई ब्लॉग में। बने रहे वीडियो में, आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। पूरी वीडियो लास्ट तक देखे दोस्त। तीन आलू ले लिए मीडियम साइज के, इन्हें छील ले, छील के पानी में डाल लिए। अब जो पतली वाली कद्दूकस ले ली मैंने, ये वाली, तो इसमें किसूंगी हम अच्छे से, ऐसे किस लूंगी पानी के साथ में, ऐसे इसी तरीके से ऐसे किस लेंगे दोस्तों जी। ऐसे पतले पतले लच्छे हैं, इसको अच्छे से ऐसे किस लेंगे तो जी। ये गैस को करूंगी चालू, और जो आलू अच्छे से मैंने किस के अच्छे से धो लिए तीन पानी में, तो इनका स्टार सब निकल गया अच्छे से, जो पूरे धो के फिर गैस चालू कर दिया। अब रखूंगी कढ़ाइया, कढ़ाइया रखती हूँ। अब इसमें घी डालूंगी एक चम्मच, घी डाल दिया मैंने एक चम्मच इस तरीके से, इसके चलाऊंगी। अब जो आलू ये डाल देते हैं, अच्छे से चला लेंगे दोस्तों। ऐसे चलाते हैं उसको, सेकेंगे पानी खत्म हो जाए तो। घी में थोड़ा सिक गया दोस्तों आलू। अब इसमें डालूंगी एक कटोरी दूध, फुल मलाई वाला दूध है तो इसको डालूंगी। तो अच्छे से मिक्स कर दिया, और आधी कटोरी और डालूंगी अभी। ये देख लीजिए दोस्तों, ये डाल दिया। अब इसको अच्छे से, और दो तीन इलायची ली थी मैंने, तो इलायची कूट ली दरदरी मोटी मोटी, तो ये भी डाल देती हूँ। अब जो मलाई है घर की बनी, घर की निकली हुई ताजी मलाई है, तो ये डाल देती हूँ दो चम्मच, ये डाल दे, ये दो चम्मच हो गई। तो अब इसको अच्छे से चलाती हूँ, मिक्स करेंगे पूरा। इस तरीके से चलाते रहेंगे तो अच्छे से दूध कम हो गया, अच्छे से उमट गए, आलू भी हमारे पक गए। तो अब डालेंगे शक्कर दोस्तों एक कटोरी, एक ही कटोरी से रेजरमेंट करा, दो ही इसी कटोरी से। तो अब इसको अच्छे से मिलाएंगे, ऐसे मिक्स करते हुए अच्छे से और पकाएंगे। अब पूरी शक्कर घुल जाएगी और आलू सबरे अच्छे से पक जाएंगे, सब तो मिक्स हो जाएंगे एक में। अच्छे से पूरा सूख गया है, अब अच्छे डो की तरह लगने लगा, तो ये खट्टा होने लगा सब कढ़ाई में, और दूध पूरा मट गया इसी में, बिल्कुल मावा की तरह हो गया। और थोड़ी देर चलाएंगे अभी इसको एक मिनट तक, और ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो इसमें चलाते अच्छे से तो सब सूख जाएगा पानी इसका, दूध सब गाढ़ा पूरा मिक्स हो जाएगा एकदम आलू और ये। कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो वो सही रहेगा। ठंडा होने दूंगी दो मिनट तक, दो मिनट ठंडा हो जाएगा फिर देखूंगी इसके लिए। अब ठंडा हो गया दोस्तों, हाथ से छू सकती हूँ बिल्कुल अच्छे से। अब इसके ऐसे रोल बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे बना लेंगे गोल गोल। और इसमें ये नारियल का बूरा है, तो इसमें इस तरीके से ऐसे बना के और ये रख देंगे, तो ऐसे इसी तरीके से बनाएंगे सारे। फिर दूसरा बना लेंगे ऐसे, कोई भी शेप दे सकते हैं आप, गोल शेप दे सकते हो या आप ऐसा, जिसको आप जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा शेप दे सकते हैं बहुत अच्छे से इस तरीके से। ऐसे बना लेंगे सारे, ये देख लीजिए, ऐसा। और जो नारियल के बूरा में
बुरादे में तो कोकोनट पिसा हुआ, तो इसमें ऐसे करके और ऐसे उठाएंगे और ये रख दिया। तो ये हमारी महंगी से महंगी अच्छी मिठाई बन रही है। एक पिस्ता ले लिया मैंने, तो पिस्ता लगाती हूँ इस तरीके से, सभी में पिस्ता लगा दूंगी। ऐसे ये बन गई दोस्तों मिठाई। ये मिठाई हमारी बन गई है और इसमें देख सकते हो आप कितने अच्छे से आप बन गई। आप देख सकते हो दोस्तों कितनी अच्छी मिठाई बनी हमारी, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए बन गई दोस्तों आलू की मिठाई और व्रत वाली बनी है। ऐसे व्रत में खा सकते हैं कभी भी बना के, और आप जरूर ट्राई करिए और जरूर अच्छी बनेंगी। कैसी लगेंगी खा के बताइए हमारे लिए, और फिर हमारे कमेंट करके बताना कि हाँ अच्छी लगी आपकी अपनाई डिश तो अच्छी बनी। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।